चौखंडी का कब्रिस्तान अपनी फनकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम में अपनी आला चौखंडी का कब्रिस्तान अपनी फनकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम में एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ चौखंडी कब्रिस्तान में, और चौखंडी कब्रिस्तान इसका चौखंडी कहते हैं चार कोने। यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कब्रें मौजूद हैं और कदीम कदीम कब्रें हैं। हम आपको आगे दिखाते भी हैं, आए आप लोग। उनकी जो कब्रे हैं, जो गरीब होते थे उनकी इस तरह की कुछ कब्रे हैं जिन पे जो है वो कोई भी निशानी नहीं है, शनाख्त नहीं है इनकी, और इनको जो है वो ये इस तरीके की। यहाँ पे छोटी कब्रे भी हैं, बच्चों की भी हैं। और यहाँ पे आप मुझे ये बताएं ना, ये जो है ये औरत कब्र है, कौन सी वाली? बच्ची की कब्र है, इसका पता नाम की कब्र है। ये कैसे देखो, ये देखो, इसके ऊपर जेवरात, ये पत्थर बना, ये देखो ना पूरा जेवरात, ये जेवरात है। तो ये औरत थी और वो बच्ची की है ना, एक कैरियर के ना जमीन बता देते। अच्छा अंकल ये बताए ना, ये इतनी मतलब बिल्डिंग वाइज बनाने की क्या वजह है? जमाने में कोई रिवाज हुई का उनका? अच्छा इसका रिवाज का नहीं पता कि मतलब ये क्या रिवाज था उनका, कितनी मतलब एक दो तीन स्टेप्स में जो है वो हम देखे की भी कपड़े हैं। यहाँ पे सरदार फैमिली की भी बड़ी अच्छी प्यारी कपड़े हैं यहाँ पे। और ये सारी जो टॉम बना हुआ है इतना बड़ा था, ये सरदार चिकंडी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखे आए। सहबा चिकंडी का मतलब भी आप बोल रहे हैं चार कोने कपड़े, चार कोने। हाँ आप ये इंटरव्यू देते हैं अब ये तो मैं ये अपने उसके लिए कर रही हूँ अंकल, मुझे फिर भी समझा रहे। इमरान भाई आए ऊपर आए यार, ये वाली तो बच्चों की होंगी ना, ये छोटी है बहुत ज्यादा। अगले पास से जाओ, ये बच्चों की है सारी, ये सरदारों के जो बच्चे होते थे ना अंकल। नहीं पता सरदार नहीं, ये टॉम के होते हैं, ऊपर से भी देखे तो कितना खूबसूरत है ये सारा, हमारे की नक्शो निगारी के हवाले से देखें तो मतलब आज के लोग मुझे लगता है फेल है इसके आगे। मतलब इतनी प्यारी नक्शो निगारी बनाई हुई है, मेरे पूरे बाल बाल उड़ रहे, बाल बाल उड़ रहे, क्या करूँ मैं। तो पुराने जमाने के लोग उठ के मुझे मारे नहीं, बोले यार क्या करूँ बन के। ये भी कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मोंजू दड़ो में आ गई हूँ, मोंजू दड़ो लग रहा है पूरा मुझे। ये बेटा दो लेडीज दो, आप थोड़ा जो सही नहीं बात है। नहीं मैं अंकल ऐसी बना रही हूँ। हाँ जी जी, जितना आना चाहिए ना, आप ऐसे देखते देखते उधर चले या उधर से देखते इधर आए, आपका फ्री। नाम पढ़ो ना तो फिर उसके खंड खले। नाम बड़े मुश्किल है यहाँ पे, ये ला इलाहा जाम मुरीद बिन हाजी बनाए बना रहे। एक तो शुरू हो जाए तो मुझे पता है, ये इसमें कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जाम मुरीद बिन हाजी। ये कोई जाम मुरीद बिन हाजी थे, उनकी कब्र है, ऊपर पगड़ी भी बनी हुई है इनकी कब्र पे। और ये पेपे पेपे जाम मुरीद पेपे, और ये कुछ इसका इनका नाम है जाम मुरीद, शायद ये इनकी वाइफ होंगी। और ये है, ये तो हारून, कोई हारून थे, मलिक हारून, मलिक हारून की ये कबर है। लेकिन इसके ऊपर तो पगड़ी नहीं बनी हुई, नहीं फिर ये खातून होंगी कोई, ये शुरू का नाम पढ़ना नहीं आ रहा मुझे, मजे नहीं आ रहा शुरू। इसका इशारा करके बोलो। और ये देखें तो ये दुकान थी जहाँ पे फूल वूल बिकते थे। और अंकल ये बताएं, ये जो दुकान थी इसमें पुराने जमाने में फूल बिकते थे या अभी के दौर में? पुराने दौर की, पुराने दौर की, जहाँ कोई कारीगर बैठता होगा, जहाँ फूल की हो, हाँ, ऐसा कोई बता दो ना। पुराने जमाने की ये दुकान है, यहाँ पे कारीगर बैठते होंगे उस टाइम पे, और यहाँ पे फूल वूल बिकते होंगे। और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये सारी लाइन से यहाँ पे जहाँ चीले भी बैठी हुई है ना, पता ही नजर आ रही है, ये सब बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
और ये वो कुछ जो गरीब लोग थे उस जमाने के, ये उनकी कब्रें हैं। वो आगे देखें तो वो और भी बहुत सारी कब्रें हैं। बहुत 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 बड़ा कब्रिस्तान है भाई, बहुत बड़ा। और मतलब ये एक अच्छी इसकी चीज हमने देखी यहाँ पे, कि यहाँ पे इनको सही सलामत रखा हुआ है। मतलब वरना एक यहाँ पे एक और मेमन गोट की तरफ एक और इसी तरह का बलोच टॉम के नाम से एक कब्रिस्तान है, उसकी कंडीशन काफी खराब देखने में आ रही है। और मेवा शाह कब्रिस्तान चल रहे हैं तो वहां की तो हालत ही बहुत बुरी है। तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कब्रों की हालत बहुत अच्छी है, बहुत काफी बड़ा कब्रिस्तान है। आगे भी देखें तो वहां पे भी इस तरह का टॉम बना हुआ है, मकबरे के अंदर कब्रें हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से है। और बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और ऐसी कोई अरे नई जगह दो पे अगर लेडीज हैं हम दो मर्द हैं। नई जगह पे हाँ गए अगर हम दोबारा कभी, तो फिर दोबारा से हाजिर होंगे।